हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट और साथ में नमक पारा। इसके लिए अलग से कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, एक ही प्रोसेस में हम दो रेसिपी बनाएंगे और कटोरी चाट का फिलिंग भी हम दो तरह से करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे एक बड़े बर्तन में, जिसमें हम आटा गूंथ सकें अच्छे से। मैंने थोड़ा सा ही मैदा लिया है, लगभग 200 ग्राम, मतलब 6 से 7 कटोरी बन जाए इतना मैंने लिया है। आप अगर ज़्यादा कटोरी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब इसमें हम लेंगे अजवाइन, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लेंगे मोयन के लिए ऑयल। अभी पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पहले मोयन अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे इन्ग्रीडियंट जो भी डाला ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा तैयार कर लेंगे। ये मैंने आटा लगा लिया है, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, मतलब रोटी के आटा से थोड़ा सा टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आटा लगा लिया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कवर करके। ये आटा भी फूल चुका है, थोड़ा और इसे मिला लेते हैं। मैंने मिला लिया, अब चाहिए हमें चकला बेलन। तो छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे आटे से, अब इसे बेल लेंगे। पूरी की तरह हमें बेलना है, अगर बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा हल्का सा चिकनाई भी लगा कर बेल सकते हैं। ये मैंने बेल लिया है, अब हमें चाहिए एक कटोरी। तो ये मैंने छोटा सा एक कटोरी लिया है, इसके ऊपर इस तरह से चिपका लेना है, ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगा अच्छे से। अब मैंने कढ़ाई भी गर्म करने लिए रख दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है, ये जो निकल रहा है, इसको इस तरह से दबा के और निकाल लेंगे, ये किनारा जो बचा है इसका, ये हम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। ये इस तरह से हो गया, अच्छे से एकदम प्रेस करके चिपका देंगे इस पर, ये देखिए चिपक गया। अब ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, उसके बाद फ्लेम को हम लो कर लेंगे। उसके बाद जो ये कटोरी हमने बना के रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे इसी तरह से। अब ये जैसे जैसे पकते जाएगा वो निकल के कटोरी खुद अपने आप ही बाहर आ जाएगी। एक बार में एक ही कटोरी डालें, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है कढ़ाई में कि हम दो कटोरी डाल सकते हैं। अगर वो बात अलग है कि कढ़ाई अगर बहुत बड़ा है तो आप उसमें 2 डाल लें 3 डाल लें, बट जनरली घर में तो इतना ही बड़ा कढ़ाई होता है तो एक ही डालें। इस तरह से भी पलट देंगे इस तरह से आराम से, ये देखिए। तो फिर ये किनारा भी आराम से अंदर में डीप हो गया, अब ये आराम से पक जाएगा। पर यहाँ पे सावधानी रखना है, थोड़ा तेल छलक के बाहर ना आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी रखना है यहाँ। अब ये लगभग फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं हर तरफ से ये पक गया। अब इसे निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे इस तरह से, और ये उल्टा करके रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो इसमें होगा वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह से दूसरा कटोरी डालेंगे, 2 कटोरी रखना है। अब ये कटोरी डाल लेते हैं, अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद अभी निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसे भी पलट लेते हैं आराम से, अब ये यहाँ भी डीप हो गया। अब ये देखिए पलटते के साथ ये कटोरी अपने आप ही बाहर आ गई है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कटोरी बाहर आ गई, अब हम कटोरी निकाल भी सकते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से कटोरी बाहर आ गई। अब ये कटोरी निकाल लेते हैं। एक बार में जब मैंने पहली बार किया तो कटोरी बाहर अपने आप नहीं आई, बट इसे ठंडा करने के बाद इसे निकालना बहुत आसान होता है, बहुत इजी तरीके से निकल जाता है ये। ये देखिए ये निकल गया, ये हमारा कटोरी तैयार हो गया। बट सेकेंड टाइम में मैंने जब डाला तो कटोरी अपने आप ही बाहर आ गई। इस प्रोसेस के लिए कम से कम 3 से 4 कटोरियां तो चाहिए, क्योंकि ये फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कटोरियां जब तक ठंडा नहीं हो पाती है।
अगर कम कटोरी है या फिर उस साइज का एक साइज का नहीं है तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए अभी ये बहुत ही गर्म है, लेकिन ऊपर वाले पपड़ी ये जो है वो तो ठंडा हो चुका है, लेकिन कटोरियाँ अभी डायरेक्ट हम नहीं छू सकते। तो इस तरह से ये बहुत इजीली निकल आता है, तो निकाल लें इसे बाहर कटोरी को, और ये कटोरी पे डायरेक्ट ये जो रोटी हम बेल के रखे हैं उसे इस तरह से डाल दें। उसके बाद ये ऐसे पलट लें, उसके बाद इसे साइड रखते हैं अभी। उसके बाद इसे कटोरी को डायरेक्ट अभी नहीं छूना है क्योंकि इतना जल्दी ये ठंडा नहीं होता है। तो इस तरह से आटे के साथ इसे ऐसे कवर करेंगे, डायरेक्ट कटोरी को हाथ नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसे ठंडा होने में। उसके बाद ये आटा इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब ये आटा लगते ही कटोरी थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो आटे पे ही इस तरह से हाथ लगाएंगे, कटोरी पे नहीं लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरह से फिर एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। अब कटोरी ये ठंडा हो गया है, अभी निकाल लेंगे। ये देखिए अब कम कटोरी भी रहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ताकि दो कटोरी, मिनिमम दो कटोरी तो चाहिए ही। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब कटोरी बनाना मैं यहीं पे स्टॉप देती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास आटा बचा है, तो अब हम इस आटा से बनाएंगे नमक पारा। इसे दो टुकड़े में डिवाइड कर लेते हैं। नमक पारा बनाने का भी हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, कोई मोटा बनाता है, कोई पतला बनाता है, पर मैं जब भी बनाती हूँ तो पतले पतले ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे पतला बेल लेंगे, इसे जिस तरह से ये बेलने का प्रोसेस किए हैं रोटी की तरह, इसे उसी तरह से सेम यही प्रोसेस करेंगे। ये हमने रोटी की तरह बेल लिया है एकदम बिल्कुल पतला। अब इसे हमें काट लेनी है, पतली पतली काट लेंगे। आप अपना पसंद का कैसा भी काट सकते हैं। और इसे अब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इतना ही आटा से मैंने नमक पारा भी बना लिया। इतना आप देख सकते हैं मैंने इतना ही आटा से ये 8 कटोरियां भी मैंने बना लिया है और इतना नमक पारा भी बना लिया है। देखिए कितनी सुंदर ये कटोरी बन के तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी कटोरी। तो मैं आपको दो प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैंने ये छोला बना के रखा है, जैसे नॉर्मल छोला अपन घर में बनाते हैं वैसा ही मैंने बनाया है। ये थोड़ा गर्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए। अब छोले इसमें डाल रही हूँ। अगर छोले नहीं हो तो आप इसके जगह पे बॉयल चना भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी चना, काबुली चना हो या फिर देसी चना हो, कोई भी मतलब बॉयल करके आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेंगे दही, दही आप मीठी दही भी ले सकते हैं, हरा चटनी। उसके बाद लेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये मैंने पहले से ही बना के रखा है। थोड़ी सी लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक सेव, अभी हमारा कटोरी चाट बनके तैयार हो गया है। थोड़ी सी चाट मसाला डालना मैं भूल गई, तो थोड़ी सी मैं चाट मसाला ले रही हूँ ऊपर से। अब ये हमारा कटोरी चाट रेडी है। बाय चांस कभी छोला नहीं बनाए हो और कटोरी चाट खाने का मन हो रहा हो तो चने को इस तरह से फ्राई कर लें, जैसे आलू और चना मैंने फ्राई किया है, थोड़ा सा चना को बॉयल करके और फ्राई कर लिया है इसे। और इसमें हल्का सा मसाला, कोई भी मसाला डाल लें, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तो इस तरह से मसाला डाल के थोड़ा सा स्पाइसी बना लें। इससे भी प्रेजेंट करके मैं दिखाती हूँ कि आप इस तरह से कैसे बना सकते हैं। अब इस तरह से इसमें डाल देते हैं कटोरी में चना। अब लेंगे इस पे दही, खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये चटनी काफ़ी दिन ख़राब नहीं होता है जल्दी, मैंने फ्रिज के बाहर ही रख रखा है, कम से कम 20-25 दिन हो गए और अभी तक बिल्कुल फ्रेश है। अब लेंगे इस पे हरी चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ी सी काला नमक डालना है, इससे स्वाद थोड़ी सी और बढ़ जाती है, बारीक सेव,
ये हमारा कटोरी चाट बनके तैयार हो गया है। इस तरह से कटोरी बना के आप रख भी सकते हैं, काफी दिन तक ये खराब नहीं होता, लगभग एक महीना भी आप रख लें तो ये कटोरी खराब नहीं होता है। और फिर जब भी मन करे खाने को तो इस तरह से बना के आप कटोरी चाट ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।